मैंने अभी पार्टी वर्कर्स में बात की कि जावेद चौधरी साहब वो मेरे लिए लायक एहतराम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दो कॉलम देखे, दूसरे कॉलम में उन्होंने पीएमएलएन के बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मियां साहब के बारे में, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और बेशुमार इदारों के बारे में लिखा कि बकौल उनके चेयरमैन नैब ने ये कहा। तो मैं तो अपने हद तक मैंने अभी बात की है, पार्टी ने भी शायद कहा, नवाज साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उसकी तरदीद की, मलिक अहमद खान साहब ने आज बहुत अच्छे अंदाज में उसकी तरदीद की। वो जो एक फिक्रा उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा तलब करते हैं, ये उनकी लेकिन अपनी राय है, पार्टी का भी ये फैसला नहीं है। अलबत्ता मैं ये बात चूंकि आपने सवाल किया तो मैं बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी साहब को क्या कहा और क्या नहीं कहा। मैं ये क्या कहूँगा कि मेरे बारे में और मियाँ साहब के बारे में जो उन्होंने कहा या लिखा है वो 100% गलत है। मैं चेयरमैन नैब को आज तक नहीं मिला और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफर भिजवाना दो की बात कभी सोचा तक नहीं कि अरबों रुपये पे कर देंगे, कोई और मुल्क पे कर देगा, हमजा शहबाज शरीफ को आप वजीर आला बनवा दें तो या तो फिर ये मेरे दिमाग में खुदा ना कोई खराबी कि मैं इस तरह का डिमांड चेयरमैन नैब से करूंगा। क्या मैं ये रहा हूं कि ये 100% गलत है। चेयरमैन नैब को अगर उन्होंने ये बात कही है जिस तरह जवेद चौधरी ओन कर रहे हैं तो फिर चेयरमैन नैब को सबूत मुहैया करने होंगे। खुदा ना खास्ता अगर वो एक रत्ती भर में सबूत लिया है तो आई बी क्विट, लेकिन अगर वो नहीं तो फिर हमारे पास पूरा इख्तियार है कि हम लीगल पोलिटिकल जो भी हमारे पास ऑप्शन आएंगे हम उनको इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जो उनका कि उन्होंने मेरे साथ ऑफर की ये भी 100% गलत है।